हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं, जो है मैंने दो चीजें मंगाई हैं। पहला है ये स्टोव, जो कि ये ग्लेन का स्टोव है, टू बर्नर। और दूसरा आइटम है ये वी गार्ड का, ये पंप बोलते हैं इसको, वाटर बूस्टर पंप। पहले तो मैं इन दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, कहाँ से मंगाए हैं और कितने के ये पड़े हैं और क्या इनका यूज है। और दूसरी चीज जो है वो बताऊंगा मैं गाड़ी में इंसुलेशन के लिए, जो हमारी गाड़ी है अब उसमें बाहर खड़ी होगी धूप में तो गर्मी ना लगे, और जब पहाड़ों में जाएगी तो वहाँ ठंड ना लगे, तो उस चीज से बचने के लिए गाड़ी में मैं कराऊंगा इंसुलेशन। और इंसुलेशन में आपकी दो चीजें काम आएंगी मेन, और प्लस एक तीसरी चीज भी है जो कि उसमें हेल्प करेगी, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये ग्लेन का जो स्टोव है, चूल्हा है जो, उसको आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि कैसा क्या आइटम आया है और ये कितने का पड़ा है, और मैं इन सभी आइटम्स का प्राइस भी बताऊंगा आपके साथ। तो सबसे पहले ये है हमारा ग्लेन का टू बर्नर हॉब। गाड़ी का इंटीरियर का काम होना स्टार्ट हो गया है, तो ये चीजें अब दिखाना जरूरी है। तो इसको यहाँ रख लेता हूँ पहले साइड में, और ये है दोस्तों ग्लेन का टू बर्नर हॉब। और इसमें बेसिकली जो लाइटर है वो इलेक्ट्रिक है, इसमें पावर प्लग लग जाएगा और इसमें बिजली से ये बेसिकली काम करता है। इसको मैंने चला के देख लिया, ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इसका थोड़ा सा सेटअप लगा के दिखा देता हूँ, गारंटी है और ये आप देख सकते हो ये छोटा सा है। इसकी जो डायमेंशन है वो 510 mm x 330 mm x 178 है। ये अपना 1 फुट चौड़ा है और ये 20 इंच लंबा है, ये लगेगा तब आपको दिखाऊंगा। तो एक ही आइटम हो गया, ये पड़ा मुझे 11,500 रुपए का, इस पे ऑफर चल रहा था। तो ग्लेन की वेबसाइट से डायरेक्ट मैंने इसको मंगाया है, ये वाटर प्रेशर पंप मंगाया है अमेजन से ही, और ये वी गार्ड का है, काफी हैवी प्रोडक्ट है। ये गाड़ी के नीचे लग जाएगा और ये वाटर का प्रेशर बनाए रखेगा, तो जब भी हमें कहीं भी पानी चलाना है तो पहले इसका स्विच ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद पूरी गाड़ी में नीचे से ही पानी आ जाएगा। तो पहले प्लान था कि इससे ऊपर वाली टंकी को भरेंगे एक मोटर से, और ऊपर वाली टंकी से हम नीचे पानी लेके आएंगे, लेकिन अब ऊपर वाली टंकी को मुझे हटाना है, इसीलिए मैंने ये वी गार्ड का ये हैवी वाला वाटर प्रेशर पंप बूस्टर जिसे हम बोलते हैं ये मंगाया है। मैं इसको आपको नजदीक से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये वी गार्ड का है कंपनी का, और काफी अच्छी कंपनी है ये। और ये एक तरफ से आपका ये इनपुट है और ये आउटपुट है, आप देख सकते हो साइज इसका, मेरे हाथ से आइडिया लगा सकते हो, काफी हैवी है। तो खाने का और पानी का जुगाड़ हो गया, अब नेक्स्ट है अपना इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए दो या तीन कह सकते हो आप, तीन चीजें प्रयोग में होंगी। तो अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा इधर घुमा के, ये है दोस्तों इंसुलेशन सीट। अब ये देखो, ये जो है ना एल्यूमिनियम की सीट होती है, बबल सीट, जिसके अंदर ये बबल्स होते हैं, और ये जो है 12 mm की सीट है, तो ये करीबन आधा इंच की सीट है, आधा इंच की, तो ये सीट हो जाएगी इंसुलेशन सीट। ये पूरा रोल मंगाया है, पूरी गाड़ी में इससे काम चल जाएगा। और सबसे पहले तो ये जो बॉडी जो पूरी बनी है, उस बॉडी पे ये इंसुलेशन सीट चिपकेगी, इसको पीसीज में काट के और फेविकॉल से बॉडी के ऊपर चिपका देंगे। फिर ये इंसुलेशन क्या करती है, ये 97% हीट को रिड्यूस करती है। अभी जो नॉर्मल, अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है गाड़ी का, उसमें आपका 97% तक हीट को ये कंट्रोल करेगी, तो उसके लिए इंसुलेशन सीट लगाई जाती है। तो ये आप रोल चारों तरफ से देख सकते हो, ये बाहर से और अंदर से एल्यूमिनियम की सीट होती है, और अंदर अपना जो है ये एयर बबल्स होते हैं, तो ये एयर बबल्स ही बेसिकली अपना जो है हीट को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये अपना जो बाहर से ये रिफ्लेक्ट करती है,
तो 97% हीट को तो ये प्रूव करेगी। अब वो जो बची 3% है उसको भी कंट्रोल करना है और प्लस इसकी लाइफ भी बढ़ानी है, तो उसके लिए मैंने एक और एक्स्ट्रा जुगाड़ लगाया है। अभी देखो दोस्तों, ये है थर्माकोल, आप देख पा रहे होंगे, एक सीट दिखाता हूँ। ये मैं थर्माकोल की सीट लेकर आया हूँ और ये 1 इंच से थोड़ी पतली है, 2 सूत कम है 1 इंच से। तो ये मैं जानबूझ के थोड़ा सा पतली क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि जो पाइप लगे हैं गाड़ी में वो 1.5 इंच के हैं, तो 1.5 इंच की तो हमारी ये इंस्टॉलेशन सीट होगी और 1 इंच से थोड़ा सा कम ये होगी ताकि फिटिंग प्रॉपर आ सके। तो थर्माकोल बेसिकली क्या करेगा, ये भी इंस्टॉलेशन का ही काम करता है, ये हीट प्रूफ है, बाहर से हीट को आने नहीं देगा, ठंड में ये अंदर से गर्म रखेगा गाड़ी को और गर्मी में अंदर से ठंडा रखेगा। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये इंस्टॉलेशन सीट है, ये दोनों मिलके 100% हीट को प्रोटेक्ट करेंगे, अंदर जो टेम्परेचर बना रहेगा वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा। अगर बाहर गर्मी है और अंदर अगर हमने एसी चलाया है तो एसी की कूलिंग प्रॉपर बरकरार रहेगी, उससे बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर। और अगर ठंड है तो बाहर ठंड है और अंदर धीरे धीरे आप जब रहते हो तो गर्मी हो ही जाती है, तो अंदर गर्मी बनी रहेगी, तो जिससे गर्मी और सर्दी का जो प्रभाव पड़ता है ट्रैवलिंग में बाहर गाड़ी के अंदर, क्योंकि पूरी गाड़ी लोहे की तपती है वो धूप में, तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा अंदर। तो ये हो गया हमारा इंसुलेशन के लिए मेनली जो चीज़ें हैं दोनों। अब एक तीसरी आइटम एक और बताई थी मैंने कि पहला इंसुलेशन सीट, दूसरा हमारा हो गया थर्माकोल, अब तीसरा क्या है, ये आप देख पा रहे हो, ये प्लाई मंगाई है मैंने 1/2 इंच की पूरी गाड़ी में। ये देखो आप, पूरी गाड़ी में ये 1/2 इंच प्लाई पूरी गाड़ी को कवर करेगी। सबसे पहले तो अपनी बॉडी आ गई, बॉडी के अंदर ये इंसुलेशन सीट चिपकी, उसके बाद ये आ गया थर्माकोल और उसके बाद फाइनल आ गई ये वाली लकड़ी की सीट और इसके ऊपर आ जाएगा सनमाइका। तो बेसिकली ये 4 लेयर्स में हम लोग गर्मी को और ठंड को प्रोटेक्ट करेंगे, अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से गाड़ी को। तो ये था दोस्तों कि गाड़ी में इंसुलेशन के लिए मैंने क्या जुगाड़ किया है और क्या क्या चीज़ें मैं इंसुलेशन में यूज़ करने वाला हूँ। और अब मैं अगली वीडियो में जब इनको ये लगाएंगे कारीगर, तो लगाते हुए प्रॉपर कि क्या क्या फिनिशिंग, कैसे क्या क्या फिटिंग हो रही है, वो मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा। प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत भी लगती है और ख़र्चा भी बहुत लग रहा है गाड़ी में, और प्लस मैं आपको एक एक बारीक से बारीक चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ वीडियोज़ के ऊपर। इतनी बारीक से इंडिया में तो किसी ने कोई भी वीडियो बनाई नहीं है किसी भी कैरावैन के ऊपर, क्योंकि मैंने भी बहुत रिसर्च की है, आप लोगों ने भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ ना कुछ कैरावैन के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा, बहुत वीडियोज़ आपने देखी भी होंगी, तो उसमें बस मोटा मोटा दिखा देते हैं कहीं से कुछ कहीं से कुछ। लेकिन मैं हर एक चीज़ की जो कैरावैन मेकिंग है उस पूरी सीरीज़ की एक एक चीज़ प्रॉपरली आपको दिखाता हूँ। अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। ये जो है मैं 60 सीट लेकर आया हूँ, ये वाली बिल्कुल इस साइज़ की 60 सीट है, तो ये 60 सीट मुझे पड़ी है 1700 रुपये की। और ये जो इंसुलेशन सीट है ये मुझे पड़ी है 3500 या 4000 रुपये की। और चूल्हा मैंने बता दिया आपको, ये पड़ा है 11500 रुपये का। और ये जो वाटर पंप है ये एक्सटेंडेड वारंटी ली है मैंने इसकी 1 साल की, और ये पड़ा है मुझे 4600 रुपये का। तो ये सारी टोटल कॉस्टिंग है। और आगे चल के मैं जब पूरी कैरावैन बन जाएगी तब हर आइटम का प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि क्या क्या कॉस्टिंग लगी है। बट कई भाइयों के कमेंट आते हैं, तो जो भी आप वीडियो बनाते हो तो उसमें जो आइटम आप दिखा रहे हो उसकी कॉस्टिंग साथ के साथ बताते चलो, ताकि किसी को अगर कैरावैन बनवानी है तो उसको हेल्प हो सके। तो दोस्तों, और दूसरी चीज़, एक भाई का कमेंट आया था कि आप एपिसोड क्यों नहीं लिखते हो कैरावैन मेकिंग में, तो अब से मैं एपिसोड के रूप में वीडियोस को लेके आऊँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक भी करो। तो पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।